शुक्रवार को रेणुका जी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना का उद्देश्य इन राज्यों की पेयजल आवश्यकता पूरी करना है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर प्रस्तावित 40 मेगावाट की रेणुका बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में शुक्रवार को उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री परियोजना के निर्माण समझौते पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। 40 मेगावाट क्षमता वाली इस बहुउद्देशीय जल विद्युतीय परियोजना के निर्माण से जहां बिजली उत्पादन होगा, वहीं 6 राज्यों के लोगों को पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए भी जल की उपलब्धता होगी। नितिन गडकरी के मुताबिक अगर सभी प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएंगे तो इतना पानी होगा कि पंजाब हरियाणा का पानी विवाद खत्म हो जाएगा और दिल्ली में 50 वर्ष तक पानी खत्म नहीं होगा। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि आज एक ऐतिहासिक MOU हुआ है। ये प्रोजेक्ट 1972 से तैयार किए गए थे, जिनमें रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम है। इन तीनों डैम का बड़ा हिस्सा, कुल 47% पानी हरियाणा को मिलना है। पिछले लंबे समय से विभिन्न राज्यों की आपसी सहमति नहीं बन सकी थी। पानी का फायदा सबसे ज्यादा हरियाणा की ओर, फिर राजस्थान और दिल्ली को होगा। इस डैम से हरियाणा की पानी की समस्या खत्म होगी। प्रदेश और उत्तराखंड का, उनका दोनों का मिला के 33% के लगभग पानी का हिस्सा है, फिर दिल्ली का है 6%, राजस्थान का है ऐसे लगभग 9% और 2.5% हिमाचल का भी शेयर है उसमें। तो पानी की सबसे बड़ा जो लाभ होने वाला हरियाणा को होने वाला, मैं समझता हूँ पानी हमारे हरियाणा की, जो दक्षिण हरियाणा के लोगों की प्यास है, चाहे वो पीने के पानी की बात है, चाहे वो पशुओं के पीने के पानी की बात है या इरीगेशन की बात है, वो सारा अगले आने वाले 2 साल में 3 साल में ये हमारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। गहलोत जी, अशोक गहलोत द्वारा इस प्रोजेक्ट में हरियाणा सरकार के बाधा डालने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तीनों डैम बन जाएंगे तो हम उनका पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते उनकी ओर जो हमारा पानी है उन्होंने 2 या 3 नदियों से रोका है, वो हमें देना होगा। दक्षिण हरियाणा की कुछ नदियों का पानी राजस्थान ने रोका है, उन्हें हमारा पानी देना होगा, फिर हम उन्हें यमुना से उपलब्ध होने पर पानी देंगे। उसके अनुसार तीनों डैम्स का कुल 47% पानी हरियाणा को मिलने वाला है और इसको बहुत समय तक जो विभिन्न राज्य हैं उनकी आपस में जो सहमति MOU के लिए बननी थी वो नहीं बन पाई थी, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे केंद्रीय मंत्री और उन्होंने बातचीत करके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनसे बातचीत करके और एक ऐसी स्थिति पर हम आ गए हैं कि आज से 3 महीने पहले लखवार डैम का MOU हो गया था, अब आज किस अपना रेणुका डैम का MOU हुआ है। रेणुका बहुउद्देशीय जल विद्युतीय परियोजना 27 साल से रुकी है। परियोजना के तहत गिरी नदी पर 139 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है। बांध के जलाशय में 514 MCM पानी इकट्ठा किया जाएगा। परियोजना पर 4,596 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। परियोजना के निर्माण पर आने वाला खर्च 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के पूरे होने पर 6 राज्यों को बिजली मिलेगी। परियोजना से होने वाली सिंचाई व जल संबंधी लाभों का बंटवारा इन राज्यों के बीच किया जाएगा। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।